हेलो दोस्तों तो कैसे हो आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों तो आज के वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म के रिगार्डिंग बातचीत करने वाले हैं जहाँ पे ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर एक ऑफिशियली डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेज के बारे में जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने वाले और सभी तथ्यों के साथ साथ ये फिल्म का डीप में रिव्यू भी करने वाले तो तो वीडियो काफी ज़्यादा एंटरटेनिंग और अमेजिंग होने वाला है अंत तक बने रहिएगा तो आज शुरू इंडियन, इंडियन रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म, फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है सिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवर्ष का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो केमियापीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडुको ने कैम अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन, वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वीएफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो है उसके वॉइस के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस था उसके ऊपर तो इस फिल्म फिल्म का जो जो डबिंग है रणबीर आर्य के लीड उन्होंने सितंबर 2020 में ही पांद्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े कलेक्शन करके दिखाए हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार सौ चार सौ पैंतीस करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार गोल्ड और साथ साथ तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विध इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ देखने को मिल जाएगा तो इस तरह इस फिल्म को ऑफिशियली टेलाइट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सीवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेज में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमी अपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही है तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोई नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैम्यपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैम्यपीरियंस है और काफ़ी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल में वो को मिलेंगे मोहन हिरोन ने इस फिल्म में जुनून का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अनिस सेट्टी ने इस फिल्म में नागार्जुन नैनी का रोल प्ले किया हुआ है तेन सिंह ने इस फिल्म में स्टेनजिंग डेलेक का रोल प्ले किया हुआ है शेर के रोल में गुरफते फिर ज्यादा देखने को मिलेंगे रवीना ने इस रवीना का जो रोल है उसमें लेहर खान ने काम किया हुआ है रानी के रोल में अदिति जोशी ने काम किया हुआ है सनीता ने इस फिल्म में मार्कन सोनी ने इस फिल्म में सनीता का रोल प्ले किया हुआ है जोर के रोल में सौरव गुर्जर देखने को मिलेंगे रफ्तार के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिपल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल के रोल में के रोल में में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली साकिब अयूब देखने देखने को को मिलेंगे मिलेंगे सैना के के रोल रोल में में वहीं सनी रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका कोने के में दिया हुआ है तो यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को डब्ड किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का भूत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोह लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैम्यू भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी दो अट्ठारह में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट चेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पे भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी पपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर्स है उन्होंने सितंबर 2020 में ही बा्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफ़ी सारे मार्केटिंग के साथ काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पॉन्स था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास यान है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सी जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म में फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ-साथ तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डबड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है सिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रव का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैम्यपिरंस है दीपिका पाडुकन का कैम्यपेरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्र देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडुका ने के में अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए सेट को तैयार किया हुआ है तो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज होने वाले थे तो इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज़ करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा मौल्य के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वे के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वीएफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस कर तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार्ड और साथ साथ तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ, तो के उपर, के साथ, साथ देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियापीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के

के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडुका ने कैमी अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहां पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए सेट को तैयार किया हुआ है तो वो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था वर्ल्ड ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोने सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के शिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का भूत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया था ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम्प कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेएफ के लिए भेजा गया था जहां पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वीएफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पांद्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली टेलाइट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सीवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेज में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म में फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केम्योपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोई नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईसा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिपल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें पड़ोको ने अपीरेंस दिया हुआ है तो यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड मोसन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरकू ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को डब किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक है सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है शिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी इडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तिलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पर्सन रण है रणबीर आर्या जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने सितंबर 2020 में ही 15 में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफ़ी सारे मार्केटिंग के साथ काफ़ी बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई एम पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ करीबन एक सौ बीस करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितने भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात कर रहा करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को मिले थे सेकंड वीकेंड करोड़ पचहत्तर लाख का था तीसरा वीकेंड बीस करोड़ पंचानवे लाख का था चौथा वीकेंड करीबन तीन करोड़ आठ लाख का था इस फिल्म ने करीबन सात वीक तक कलेक्शन करके दिखाए हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार सौ करोड़ तक का क्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है सिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केम्योपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडुका ने कैम अपीयरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुछ सेट को तैयार किया हुआ है तो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन, वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी इडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वे के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार्ड और साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ तो के उपर, के देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवर्ष का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियापीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोह्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्र देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडूका ने कैम अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहां पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुट सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवा गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम्प्लीट ट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वेफ एक्स के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो है उसके के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का था उसके ऊपर तो इस फिल्म फिल्म का जो डबिंग जो डबिंग है रणबीर आर्य के लीड उन्होंने सितंबर 2020 में ही में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को 3 करोड़, 8 का था। इस तक करके हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार ड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास यान है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहां पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान काम्यू भी है ये सभी चीजें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग है रणबीर आर्या जो फिल्म के लीड एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो 50 दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो केमियापीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें पिका पादुकोण ने क्या अपीयरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज कि ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा, देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की वेफ एक्स के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया गया था इस फिल्म में जो उसके वजन ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस था उसके ऊपर उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को मिले थे सेकंड वीकेंड वीकेंड सात वीक तक, तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो 50 दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली इट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो कैमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही है तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोह्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्र देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडुका ने क्या अपीरेंस दिया हुआ है तो यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश क्रूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुट सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे तो इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन, वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी इडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड डेक्टर्स है उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म में फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवर्ष का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के

के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडूको ने अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाइएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किू ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फ़िल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम्पली करवाया गया था लेकिन बाद एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहां पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पांद्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को मिले थे कलेक्शन करके दिखाए हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार सौ करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब टटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली टेलाइट प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो दो की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्र वश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो केम्योपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ों को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमियो कैम्यपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमियो अपीरियंस है और काफ़ी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल में वो को मिलेंगे मोहन हिरोईन ने इस फिल्म में जुनून का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अनिस सेट्टी ने इस फिल्म में नागार्जुन नागार्जुनकैनी का रोल प्ले किया हुआ है तेन सिंह ने इस फिल्म में का रोल प्ले किया हुआ है शेर के रोल में गुरफते फिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे रवीना ने इस रवीना का जो रोल है उसमें लेहर खान ने काम किया हुआ है रानी के रोल में अदिति जोशी ने काम किया हुआ है सनीता ने इस फिल्म में मार्कन सोनी ने इस फिल्म में सनीता का रोल प्ले किया हुआ है जोर के रोल में सौरव गुर्जर देखने को मिलेंगे रफ्तार के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पे सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका कोने के में दिया हुआ है तो यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश क्रूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को डब्ड किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैम्यू भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी दो अट्ठारह में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पे भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज़ किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर्स है उन्होंने सितंबर 2020 में ही 15 में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफ़ी सारी मार्केटिंग के साथ काफ़ी बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फ़िलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार सौ चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास यान है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट जो दो जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो कैमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही है तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोई नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैम्यपिरंस है दीपिका पाडुकन का कैम्यू ऑपिरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्र देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें पड़ोको ने कैम अपीयरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरुप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुट सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज होने वाले थे तो इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी इडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरुप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्या जो फिल्म के लीड एक्टर्स है उन्होंने सितंबर 2020 में ही पांद्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई

तक का क्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार गोल और साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विध इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ देखने को मिल जाएगा तो इस तरह इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म में फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है सिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्र वर्ष का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो केमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

के रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडूका ने कैम्य अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए सेट को तैयार किया हुआ है तो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाइएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोसन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज कीको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के शिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवा गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा जा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फ़िल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वीएफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वीएफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ऑफिशियली इट प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्र वश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो केमियापीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही है तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है अंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंडफादर के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें जिसका पड़ोस ने क्या में अपीरेंस दिया हुआ है, तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहां पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो वो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाइएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज़ करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी दो अट्ठारह में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पे भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम्प्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है जिस वजह से चार पांच दिन का एक शेड्यूल फिर से रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलुगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर्स हैं उन्होंने सितंबर 2020 में ही 15 में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफ़ी सारी मार्केटिंग के साथ काफ़ी बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ करीबन एक सौ बीस करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात कराओ तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को मिले थे सेकंड वीकेंड उनचालीस करोड़ पचहत्तर लाख का था तीसरा वीकेंड बीस करोड़ पंचानवे लाख का था चौथा वीकेंड करीबन तीन करोड़ आठ लाख का था इस फिल्म ने करीबन सात वीक तक कलेक्शन करके दिखाए हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन कर करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

फिशियली टी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रवश का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो कैमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमियो अपीरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमियो ऑपिरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीदा देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें का को ने क्या में दिया हुआ है, तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्ड सेट को तैयार किया हुआ है तो वो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्ज़न मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक है सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवां गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर्स हैं उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी ये फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार्ड और साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ तो के उपर, के देखने को मिल जाएगा तो इस तरह इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रव का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रॉय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैम्यपिरंस है दीपिका पाडूकन का कैमी ऑपिरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चैटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल में

के रोल में रोह्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडूका ने कैमरा अपीयरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुट सेट को तैयार किया हुआ है तो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाइएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहां पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किकू ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पांचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वे के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन रण है रणबीर आर्य जो फिल्म के लीड एक्टर एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पांद्रा में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने दिखाए हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओटीटी टी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब टटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

ली टी प्लेटफॉर्म सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो दो की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्र वस् का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही है तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोय नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी अपीरियंस है दीपिका पाडूकन का कैमी अपीरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें दीपिका पडूको ने कैम अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी तो जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन 400 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहां पे आने वाले पार्ट्स के लिए कुर्डसेट को तैयार किया हुआ है तो वा आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे तो इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पर इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को डब्ड किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ संस्कृत श्लोक सिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का बहुत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है सिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पे फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वर्जन आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोक्स और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे ये जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया तब ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का कैमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग गए थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत सिंह फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए थे वहाँ पर भी हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कम कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजा मौलिक के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की के वेफ एक्स के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पे इस फिल्म को एक बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म आर्या जो, जो फिल्म के लीड एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही बीस में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारी मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आई पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पांस था आई पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस ड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब टैटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे

फिशियली टी टी प्लेटफॉर्म सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा जो 2022 की इंडियन पेन इंडियन कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को काफी सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म को हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है फेंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म को तीन पार्ट्स में क्रिएट किया जाने वाला है जहाँ पे ये पहला पार्ट है शिवा आने वाले समय में देव और एक तीसरा पार्ट भी आने वाला है और ये फिल्म सीरीज अस्त्रव का हिस्सा है इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख खान का एक केमियो कैमियोपीरियंस भी था वानर अस्त्र के रोल में तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पिन ऑफ वर्जन बनाया जा सकता है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर अभी तक प्रॉपर डायरेक्टर ने क्लेरिफिकेशन नहीं दी है डायरेक्टर की बात चल रही तो बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी आइडिया कहानी को स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें को अयन मुखर्जी ने किया हुआ है इस फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन मोनी रोई नागार्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा शाहरुख खान का कैमी ओपिरियंस है दीपिका पाडुकन का कैमी ऑपिरियंस है और काफी सारे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो शिवा का जो रोल था वो रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ था ईशा चटर्जी के रोल में आलिया भट्ट देखने को मिलेगी रघु के रोल में अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे शाहरुख खान का डबल रोल है मोहम्मद भार्गर और ब्रह्मास्त्र के रोल

रोल में रोहल्ला गाजी देखने को मिलेंगे सावित्री देवी का रोल है वो दिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया हुआ है टाइगर के रोल में चैतन्य शर्मा देखने को मिलेंगे अली के रोल में साकिब अयूब देखने को मिलेंगे सैना के रोल में राशि मल देखने को मिलेंगे वहीं पर सनी के रोल में रोहन रुस्तम जी ने काम किया हुआ है आंटी का जो रोल था वो फरीता देवी ने प्ले किया हुआ है जो शिवा की लैंड लेडी थी ईसा के ग्रैंड के रोल में रियाज माका ने देखने को मिलेंगे अमृता जो शिवा की माँ का रोल है उसमें पडुको ने कैम तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जो आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म की एडिटिंग प्रकाश कुरूप ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म दो घंटे अड़तालीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को करीबन चार करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है जहाँ पे तो वा आने वाले पार्ट्स के लिए सेट को तैयार किया हुआ है तो वो आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले थे इस वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है फिलहाल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में बनती है उसमें हाईएस्ट बजट वाली ये फिल्म है वहीं पे इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस स्टार लाइट पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था स्टार स्टूडियो ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोसन पिक्चर्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था जहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियो ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो तनुज किरको ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग में प्रीतम ने काम किया हुआ है जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किए हुए इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म में टोटल सभी वर्ज वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के लिए तीन गानों को अडॉप्ट किया गया था इस फिल्म के मेन वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य ने सभी लिरिक्स को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक है वो शिवा के थीम के लिए उसको प्रसून गुप्ता ने लिखा हुआ था इस फिल्म में पहला गाना है केसरिया दूसरा गाना है देवा देवा तीसरा गाना है डांस का भूत चौथा गाना है रसिया पाँचवा गाना है शिवा थीम म्यूजिक छठा है डांस मिक्स केसरिया वर्जन वहीं पर फिल्म वर्जन वाला एक देवा देवा क्रिएट किया गया था वो सातवा गाना है आठवां गाना है रसिया रिप्राइज वर्जन नौवा गाना है देव थीम म्यूजिक तो ये सभी वज़न आप ऑफिशियली सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स की तो काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर्स से जहाँ पे पंकज कुमार वी मणिकंदन विकास नौलखा पेट्रिक ट्यूरोस और सुदीप चटर्जी ने काम किया हुआ है तो इन्होंने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो 2011 में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एक रूमर्स आई थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के ऊपर आइडिया को लेते हुए काम किया जा रहा है जहाँ पे जवानी दीवानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर अयन मुखर्जी की सेकंड फिल्म थी उसके साथ ही इस फिल्म को काम किया जा रहा था और साथ ही में इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर एक अनाउंसमेंट जुलाई दो में की गई थी दो में ऑफिशियल अनाउंस किया गया था करण जोहर लीड रोल में अयन मुखर्जी इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल में होने वाले फिल्म का टाइटल रेगन होने वाला है लेकिन ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया था ब्रह्मास्त्र टाइटल दिया गया था उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को काफ़ी लेट स्टार्ट किया गया था शाहरुख खान का केमियो भी है ये सभी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली तो इस फिल्म को तैयार करने में करीबन दस साल लग थे प्री प्रोडक्शन को लेते हुए फिल्म को रिलीज करवाने के समय तक जहाँ पे इस फिल्म की थीम को काफ़ी बेहतर वे में हिंदी माइथोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिएट किया गया था जिस वजह से फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग शेड्यूल रखे गए थे लंदन में बल्गेरिया में रामनगर फोर्ट जेत फोर्ट ये वाराणसी में आए हुए तो वहाँ पर भी इडनबर्ग स्कॉटलैंड में भी एक शेड्यूल था और इस तरह से इस फिल्म को कोविड के बीच में भी प्रपोज करते हुए बाद में शूट करते हुए पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया गया था लेकिन बाद में एस एस राजामौली के जो फादर है के वी विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिस वजह से चार पाँच दिन का एक शेड्यूल से फिर सेट रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वेफ के लिए भेजा गया था जहाँ पे प्राइम फोकस कंपनी के द्वारा इस फिल्म की वेफ के ऊपर काम किया गया था उसके बाद में एडिटिंग है वो प्रकाश कुरूप के सुपरविजन में की गई थी तो इस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर क्रिएट किया गया था इस फिल्म में जो तेलगु वजन है उसके वॉइस ओवर के लिए चिरंजीवी को चूज किया गया था जो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर था उसके ऊपर तो इस फिल्म आर्या जो, जो फिल्म के लीड एक्टर्स उन्होंने सितंबर 2020 में ही पंद्रह में कंप्लीट कर लिया था लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को काफी पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को फाइनली काफी सारे मार्केटिंग के साथ काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे 9 सितंबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला फिल्म को आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन एक लाख सात हज़ार वोट मिले हुए थे जिसमें करीबन पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक मिक्स रिस्पॉन्स था आई एम डी पे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़ कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहला वीकेंड काफ़ी बड़ा दर्ज किया हुआ था करीबन एक करोड़ पचहत्तर लाख का जो फिलहाल में जितनी भी कोविड के बाद फिल्में आई हुई थी पठान से पहले की बात करा तो उसमें सबसे बड़े आंकड़े देखने को हुए थे सात वीक तक बॉक्स ऑफिस पे टिकी हुई थी फिल्म तो करीबन पचास दिन के आसपास का लंबा रन लिया हुआ था और ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड करीबन चार चार सौ पैंतीस तक का क्रॉस कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इंग्लिश सभी वर्जन के राइट्स है वो स्टार स्टूडियो वालों के ही पास है यानी कि ये फिल्म आपको स्टार के ही नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पर डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म का जो वर्जन है हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और इंग्लिश ये सभी वर्जन विथ इंग्लिश अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको हिंदी वर्जन स्टार गोल्ड और साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और इंग्लिश वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा नाम के साथ देखने को मिल जाएगा तो इस तरह इस फिल्म को

कर दी है उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो यहीं तक था अगर और भी ऐसे वीडियो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू